हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन के बारे में। तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन से कंपटीशन में एक सवाल देखने को जरूर मिलता है, और यहाँ से अक्सर आपने सुना होगा कि आर्च का अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें नेचुरल बेड ऑफ स्टोन हमें कैसे रखना चाहिए। दूसरा, ये भी हमें क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलता है कि जो भी हम स्टोन मेजनरी कर रहे हैं उसमें किस तरह से हम नेचुरल बेड रखते हैं, कॉर्निस में नेचुरल बेड हम किस तरह से रखते हैं। तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन से कुल मिलाकर ये कि हमें एक सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का ये जो लेक्चर है आपका, ये आपका एक नंबर पक्का करवा देगा। अगर आप इसको विदाउट स्किप करें, वो पूरा कंपटीशन का जो लेक्चर है ये आप पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा नेचुरल बेड ऑफ स्टोन का हम यहाँ पर नेचुरल सबसे पहले यही जानते हैं कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन होता क्या है। मैंने यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नेचुरल बेड ऑफ क्या है। इट इज द ओरिजिनल बेड प्लेन और पोजिशन बाई स्टोन ड्यूरिंग फॉर्मेशन इन सेडिमेंट्री रॉक। इसका हिंदी मतलब ये है कि जब कोई भी सेडिमेंट्री रॉक बनती है तो जिस प्लेन पर वो बनती है, यानी जो उस प्लेन पर उसका फॉर्मेशन होता है, जिस प्लेन पर उसकी पोजिशन डिसाइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। जब भी किसी भी स्टोन को रॉक से अलग करते हैं तो हमें कहां से अलग करना होता है, उसे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन से हमें अलग करना होता है। तो देखिए, तो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई रॉक है, तो उसमें जो हमारा नेचुरल बेड इस तरह से हमारी लेयर्स फॉर्म में होगा, क्योंकि हम जानते हैं पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं कि सेडिमेंट्री रॉक हमारी कैसी होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। इसे परतों की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो जो इसकी परतों की फॉर्म में निकालते हैं, ये हमेशा कहाँ से निकलती है, नेचुरल बेड से निकलती है। तो नेचुरल बेड यहाँ पर समझ में आ गया। नेचुरल बेड क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्मेशन के टाइम पर जो उसका बेड बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। तो अब इसमें समझने वाली बात ये भी है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पूछा जाएगा कि आर्च में नेचुरल बेड ऑफ स्टोन किस तरह से रखना चाहिए। तो हमेशा ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी स्टोन हो, किसी भी टाइप का स्टोन हो, उसमें अगर हमें लोड देना है या उसमें प्रेशर लगाना है तो हमेशा नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर हमें लगाना चाहिए। यानी हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट ये बना कि किसी भी आर्च में या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप कर रहे हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में कर रहे हैं, अगर आप वो स्टोन मेजनरी से कर रहे हैं तो उसमें हमेशा स्टोन का नेचुरल बेड जो है, लोड उसके 90 डिग्री पर आना चाहिए। अगर नेचुरल बेड हमारा इस तरीके से है तो लोड हमेशा कैसे लगना चाहिए, इसके 90 डिग्री पर इस तरीके से लगना चाहिए। क्योंकि हमसे ये भी पूछ सकता है कि नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर, यानी स्टोन की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, उसके स्टोन के हमारे बेड, नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर। तो लोड हमेशा हम कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री पर यहाँ पर हम लोड अप्लाई करते हैं। तो नेचुरल बेड के 90 डिग्री पर हमें लोड अप्लाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टोन की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमेशा कहाँ होती है, नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर ही होती है। तो नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर स्ट्रेंथ, हमारा सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि लोड स्टोन मेजनरी में या कोई भी मेजनरी में, किसी भी लोड स्टोन स्ट्रक्चर कोई भी आप बना रहे हैं, स्टोन स्ट्रक्चर जो भी आप बना रहे हैं उससे, स्टोन स्ट्रक्चर लोड स्टोन स्ट्रक्चर में नेचुरल बेड से 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, होना चाहिए। सबसे हमारा पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये बना कि हमारी स्टोन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होती है, उसके नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर। तो हमें स्टोन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी स्टोन मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो हमें 90 डिग्री पर क्या रखना चाहिए, स्टोन का हमें नेचुरल बेड रखना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, अब नेचुरल बेड हम अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक आर्च का डायग्राम बना रखा है। अगर आर्च हम बना रहे हैं तो स्टोन का यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो यही समझिए कि आर्च में हमें स्टोन कैसा यूज करना चाहिए, लाइट वेट कैसा यूज करना चाहिए, लाइट स्टोन यूज करना चाहिए इसके अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया कि आर्च के लिए और डॉम के लिए, साथ के साथ देखें ये डॉम के लिए भी अगर हम बात करें, जो गुम्बद वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए हमें कैसा स्ट्रक्चर, कैसा स्टोन यूज करना चाहिए, लाइट स्टोन। अब इस लाइट स्टोन के साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि जब इसकी हम मेजरमेंट करेंगे तो स्टोन को हम किस तरीके से लाएंगे, स्टोन का नेचुरल बेड कैसे होना चाहिए। देखें जरा, मैंने यहाँ पर एक पत्थर लगा देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर मैंने एक पत्थर लगाया जिसका नेचुरल बेड कैसे है, इस तरह से कुछ हॉरिजेंटल शेप में आ रहा है, इसे इस शेप में आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर भी लगा के दिखाता हूँ, ये इस तरह से अगर हम लगा रहे हैं तो अब देखिए,
आर्च पर जो लोड आएगा, आर्च हमारा क्या है, आर्च हमारा किसी ब्रिज वगैरह के नीचे बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, तो लोड हमारा ब्रिज पर, ये आर्च का ये कॉलम हो गए, ये बीच बीच में आप देख रहे हैं आर्च बनी हुई है, इसके ऊपर कोई भी व्हीकल चल रहा है, कोई भी गाड़ी चल रही है, लोड कैसे आएगा इसका, जस्ट वर्टिकल नीचे लोड आएगा। तो लोड अगर इस तरीके से आएगा, तो हम तो अभी कह रहे थे कि स्टोन मेजर स्ट्रक्चर में नेचुरल बेड से 90 डिग्री पर लोड होना चाहिए, तो आर्च में जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है लोड। तो लोड जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से आप देखिए, अगर लोड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर लोड ने इस नेचुरल बेड से कितना एंगल बनाया, नेचुरल बेड से कितना एंगल बना रहा है, ये उसी के पैरेलल है, यानी हमें पैरेलल लोडिंग नहीं देनी है। इसका मतलब आर्च का ये हमने डायग्राम गलत बना लिया कि हमें नेचुरल बेड के पैरेलल नहीं, नेचुरल बेड के परपेंडिकुलर हमें रखना है नेचुरल बेड आर्च में। तो हमें कैसे करनी चाहिए चिनाई, हमें नेचुरल बेड कैसे रखना, इस तरह से रखना चाहिए। ऐसा रखने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, होगा ये कि जब लोड इस पर ट्रांसफ़र होगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें लोड इस तरह से रखना चाहिए। तो अब इस तरह से रखने को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से ये आर्च का सेंटर है, और आर्च के सेंटर से इस तरह से देखें आप, ये ऐसे क्या है, रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो हमने क्या किया है, आर्च में जो हमने स्टोन लगाया है वो कैसे लगाते हैं, रेडियली लगाते हैं। यानी अगर आप देखें ये कैसे आएगा, इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर रेडियली सेंटर पर आकर मिलेगा। तो याद ये रखना है हमें कि आर्च में नेचुरल बेड कैसे रखते हैं, रेडियली रखना होता है हमें, रेडियली हमें चिनाई करनी होती है आर्च में। तो नेचुरल बेड अगर रेडियली रहेगा आर्च में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथेबल होगा। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया था कि नेचुरल बेड क्या है, मैंने बता दिया, सेडिमेंटरी रॉक का जब फॉर्मेशन होता है, तब उसकी जो पोजीशन होती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं नेचुरल बेड। नेचुरल बेड के हमेशा लोड कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ की हमेशा ज़्यादा, जो स्टोन की जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वो कहाँ होती है, नेचुरल बेड के 90 डिग्री पर होती है। आगे बात करें आर्च की, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो आर्च में हमने पहले बता दिया, कोई भी स्ट्रक्चर क्यों ना हो, हमें लोड कैसे देना है, 90 डिग्री पर देना है। आर्च की अगली हमने बात करी, तो आर्च हमारे ब्रिज वगैरह के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं, लोड हमेशा ऊपर से आएगा। अगर हम नेचुरल बेड को इस तरह से रख देंगे, तो वो नेचुरल बेड कैसा हो जाएगा, इसके लोड इसके पैरेलल आएगा, हमें पैरेलल नहीं रखना था, स्ट्रेंथ सबसे कम होगी यहाँ पर। अब हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से वर्टिकल, ऐसे रेडियली हम इसको रख देंगे। तो रेडियली स्टोन आर्च में लगाए जाते हैं, उनके नेचुरल बेड रेडियल लगाए जाते हैं, तो रेडियल लगाने से हमें क्या मिलता है, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी याद रखेंगे कि आर्च में कौन से स्टोन यूज किए जाते हैं, लाइट स्टोन यूज किए जाते हैं, और डॉम में भी लाइट स्टोन यूज किए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं, कोई भी दीवार हो, कोई भी दीवार है, तो यहाँ पर हम मैंने कोई भी मैंने स्टोन मेजनरी की वॉल बना रहे हैं, तो इसमें हमें लोड हमेशा कैसे आएगा, वर्टिकली आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर लोड आएगा। तो इसके लिए हमें नेचुरल बेड कैसे रखना होगा, तो हमें नेचुरल बेड कैसे रखना चाहिए ताकि 90 डिग्री का बन जाए एंगल, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखना चाहिए। तो याद रखेंगे नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, यानी क्षैतिज होना चाहिए। किस केस में, वॉल के केस में, किसी भी दीवार केस में अगर हम बात करें, तो हमारा कैसा होना चाहिए, वॉल केस में। साथ के साथ ये ध्यान भी रखना है कि अगर ये रिटेनिंग वॉल है, अगर ये रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है बहुत ज़्यादा, अगर ये रिटेनिंग वॉल है, तो हम नेचुरल बेड को तो हॉरिजॉन्टल रखेंगे ही, लेकिन साथ के साथ किस टाइप का रिटेनिंग वॉल अगर है, तो साथ के साथ हमें किस टाइप का स्टोन यूज करना होगा, हैवी स्टोन यूज करना होगा, जिसमें लोड ज़्यादा हो। तो रिटेनिंग वॉल के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि रिटेनिंग वॉल का स्टोन कैसा होना चाहिए, हैवी, जबकि आर्च का होना चाहिए लाइट, डोम का होना चाहिए लाइट। और अगर हम रिटेनिंग वॉल की मेजनरी कर रहे हैं, तो नेचुरल बेड हमारा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। अगला हमारा आता है पॉइंट कॉर्निस। तो कॉर्निस में हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन को किस तरीके से रखते हैं, तो देखिए पहले तो यही जान लेते हैं कॉर्निस क्या है। कॉर्निस एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, जो बिल्डिंग के टॉप और सीलिंग जंक्शन पर होता है। सपोज कीजिए बिल्डिंग का टॉप हमारा ये पॉइंट है, और सीलिंग जंक्शन ये है, तो आगे निकला हुआ ये हमारा क्या है, बिल्डिंग का टॉप पॉइंट ये है, और हमारा सीलिंग जंक्शन यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, सीलिंग जंक्शन बन रहा है। तो इस सीलिंग जंक्शन पर लगाया गया एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा प्रोजेक्शन है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल बेड ऑफ स्टोन को कैसे रखना चाहिए, वर्टिकल रखना चाहिए। तो यहाँ रखेंगे याद कि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन हमेशा कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए।
तो ये जो मैंने आज की क्लास जो थी, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलता है, और हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कॉर्निस क्या है, वर्टिकल हमने रखना है इसमें, हॉरिजॉन्टल मेजनरी में हॉरिजॉन्टल बेड क्यों रखेंगे, और आर्च में हम रेडियली किस तरीके से रखते हैं। तो इनके डिटेल्ड आर्च को अलग से एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम डिटेल्ड इसके पार्ट पर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी बताएंगे यही बात कि इसमें हमें नेचुरल बेड को रेडियली रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना है कि आज की क्लास कैसे लगी, और आगे आने वाले टॉपिक पर लगातार देखते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।